एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक बिसोली में स्थित सिचोली गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 5 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 45 किलोमीटर दूर है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने प्रेमवती को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 5800 की आबादी एवं 2200 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 413 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 398 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 45 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 10 हैंडपंप रिवोल कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 90 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व 14 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 2 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, पानी की टंकी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं अशोक कुमार प्रधान पुत्र बोल रहा हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में ग्राम सिचोली, तहसील बिसोली, ब्लॉक बिसोली, जिला बदायूं से बात कर रहा हूँ। मैं अपने गाँव में बहुत सारे कार्य कराए, लाइटें भी लगवाई थी, शौचालय बनवाए और काफ़ी काम कराया, लेकिन कुछ पैसे की वजह से कुछ कार्य अधूरे भी हैं। और स्कूल में शौचालय निर्माण भी चल रहा है, जिससे कि बच्चों पढ़ने वालों को कोई परेशानी ना हो आगे। और अभी कुछ कमियां हैं बाकी, जो कि पैसा ना मिलने के कारण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। और कुछ बोलना है? बारात घर भी नहीं है। बारात घर जैसे शमशान घाट, बारात घर, बहुत सारी कमियां हैं ऐसी जो पूरी ना हो पाई हैं, केवल पैसा की कमी से। सड़कें भी हैं कच्ची, गांव में गंदगी फैल रही है, वो भी ना सही हो पा रहे हैं पैसे की वजह से ही।